हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो मनरेगा में आई हुई है, जिसमें टोटल पोस्ट है जो 927 पोस्ट है टोटल, जिसमें पद के नाम है यानी कि जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें टोटल 7 प्रकार की पोस्ट है। यहाँ पर प्रोग्राम ऑफिसर की, असिस्टेंट प्रोग्रामर की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, अकाउंटेंट की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की है, और यहाँ पर पियोन की इसमें वैकेंसी आई हुई है। आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। क्वालिफिकेशन जो उसमें मांगा है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। पाँचवीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास और बीई बीटेक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी इसमें वैकेंसी आई हुई है। वो अधिक जानकारी के लिए आप विभागीय विज्ञापन देख सकते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, मैं बताऊँगा आगे। जिसमें एज लिमिट होनी चाहिए वो 21 से 35 ईयर मांगा गया है, यानी कम से कम 21 ईयर और ज़्यादा से ज़्यादा 35 ईयर होनी चाहिए। जो एज की गणना की जाएगी वो 1 नवंबर 2017 को की जाएगी, यानी कि 1 नवंबर 2017 को आपके 21 से न तो कम हो न 35 से ज़्यादा हो, यानी कि इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, वो मैंने सभी की इसमें बताई हुई है। जो इसमें स्टार्टिंग डेट है तो ये 25 नवंबर 2017 से फॉर्म शुरू हो चुका है, जो उसकी लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने की वो 5 दिसंबर 2017 रहेगी। जो इसमें एप्लीकेशन फीस है वो बिल्कुल फ्री है किसी भी कैटेगरी के लिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको कोई फीस देनी नहीं होगी। जो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू होगा इसमें, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। हाउ टू अप्लाई, आप इसको किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म देखना होगा। ऑफलाइन फॉर्म है, आपको यहाँ पर आना है। आने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे 3 MB के आसपास का PFD फाइल है, ये डाउनलोड हो जाएगा। होने के बाद आपको ये अधिक जानकारी के लिए इसको रीड कर लेना है नोटिफिकेशन को। अब जो फॉर्म है इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आना है, इसमें आपको ग्रेड पे सभी मिल जाएगा, किस वैकेंसी के लिए कितने आपको वेतन मिलेगा। आने के बाद इसमें ये रहा आवेदन का प्रारूप, अब आपको ये वाला पर्सन फिल करना है, यानी कि आपको यहाँ पर फोटो लगाना है, फिर आपको यहाँ पर अपना आवेदक का नाम, फिर अंग्रेजी में, फिर पिता का नाम, ये आपको सभी चीज़ें फिल करनी है। इस फॉर्म को सभी को फिल करने के बाद और डॉक्यूमेंट की फ़ोटो स्टेट प्लस सेल्फ रजिस्टर्ड, आपको ये सभी चीज़ें करनी होगी। अब फ्रेंड्स, इसको आपको भरने के बाद आपको यहाँ पर सेंड करना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, यानी कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छत्तीसगढ़ को ये सेंड कर देना है। और फ्रेंड्स, जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो ऑल छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ के लिए ही वैकेंसी आई हुई है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको तनिक भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और फ्रेंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स हम पर डे इस चैनल पर 2 या 3 वीडियो अपलोड करते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, इसलिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ना कर मेरे दिल के तू टुकड़े, ना डाल तू बोल के टुकड़े।